हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आया हूँ एक खेत में, गांव से थोड़ा दूर हूँ। वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ दो चार दिन से, क्योंकि थोड़ी कमज़ोरी थी शरीर के अंदर, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी थी। तो मैं घर पे आराम ही कर रहा था और वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ और आपको भी बता देता हूँ और वीडियो भी डाल दूँगा। और दोस्तों, वैसे भी व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं मेरे, जो मेरा व्लॉग मेरे जो व्लॉग हैं उसमें व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। 1500, 2000, 3000 व्यू आते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा अपसेट भी हो गया था, टेंशन में भी आ चुका हूँ। इसीलिए मैं दूसरी चीज़ें डाल देता हूँ, जैसे हंटेड वीडियो डाल देता हूँ, हॉरर वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो चैनल है उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। इसलिए मैं ऐसा अटपटी हरकतें करते रहता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन अभी बीमार था, इसलिए मैं वीडियो ढंग से डाल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि कौन सा कंटेंट डालो घर के, घर में एक जैसा वीडियो, बीमारी का वीडियो डाल के मैं बोर हो चुका था। और वैसे आप लोग भी बोर हो चुके होंगे, तो अभी अच्छा लग रहा था, तो आज मैं सोचा कि थोड़ा खेत में जाके बैठता हूँ और यहाँ का लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको। पीछे बांस के पौधे हैं, बांस के पेड़ है पीछे, और इधर भी ये सब पूरा घना जंगल है। देखो, ये पूरा घना जंगल है, साइड में नदी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था, इसीलिए मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आराम का बोला था डॉक्टर ने, इसलिए आराम कर रहा था घर पर। अभी भी मैं दुकान नहीं खोला हूँ, अभी भी घर पे आराम ही कर रहा हूँ मैं। हाथ पाँव में बहुत कमज़ोरी हो चुकी थी, शरीर के अंदर बहुत कमज़ोरी हो चुकी थी, जान नहीं बची शरीर के अंदर। हो जाता है कभी कभी, बीमार दुखी सुख दुख इंसान के अंदर, ये ज़िंदगी का नियम है और उसका सामना करना ही पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा लोकेशन आपको बता देता हूँ। ये कपास लगा हुआ है, अच्छी खासी अभी कपास की फसल है हमारे यहाँ पर। ये कपास एकदम बेहतरीन, और भाव भी अभी अच्छा चल रहा है कपास का, अच्छा खासा भाव चल रहा है, अच्छे खासा 7000-6000, 7000 का भाव चल रहा है शायद अभी खुलते में। और इधर कुछ मिर्ची भी लगी हुई है, ये हाँ लगने में ऐसा लग रहा है जैसे अटला है, कुछ भी नहीं, लेकिन मिर्ची लगी हुई है यहाँ पर। ये रही मिर्ची, देखो ये रही मिर्ची, अच्छी मिर्ची है, ये अच्छी खासी फसल है। पानी वानी भी बाद शुरुआत में तो पानी कमज़ोर गिरा, लेकिन बाद में अच्छा पानी गिर गया, जिसकी वजह से फसल अच्छी खासी आ रही है। और ये इधर पूरा जंगल है ये घना, और अच्छा लगता है, ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी टाइम सुबह के लगभग 11 बज रहे होंगे, ये नदी है साइड में, और ये है कुआं। शांत वातावरण है, बिल्कुल शांत वातावरण, एकदम ठंडा माहौल और एकदम हरियाली है। इधर से ये छोटी नदी है, इधर से ये नदी आती है इधर, और इधर से भी आ रही है एक बड़ी नदी, दो नदियाँ का मिलन है यहाँ पर, छोटी छोटी दो नदियाँ हैं हमारे गांव के पास में। मैं थोड़ा नदी पास जाता हूँ, ये मोटर वगैरह चालू करने के लिए किसान ने स्टार्टर लगा रखा है यहाँ पर। तो वो ये केबल वगैरह आयल वायरिंग वगैरह ठीक है, यहाँ से चालू करेंगे तो ये मोटर चलेगी, ये कुआं में मोटर रखी होगी, ये कुआं चलेगा और ये फसलों में पानी जाएगा। मैं उधर थोड़ा तो गाइस, ये आ चुका हूँ मैं नदी के पास, बिल्कुल पानी चल रहा है, ये पानी सब पानी पूरा कुंदा नदी में जाता है खरगोन। गाइस, मैं एकदम नदी के बीच में आ चुका हूँ, बिल्कुल पानी के बीच में आ चुका हूँ और अकेला हूँ, यहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं है,
अभी तीन बच्चे खेल रहे थे वो भी चले गए हैं, नदी में खेल रहे थे, नहा रहे थे बच्चे तीन, वो भी चले गए हैं। तो अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला हूँ, दो चार दिन बाद, पाँच दिन बाद घर से बाहर निकला हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा दिल को सुकून मिल रहा है। मैं जब भी ऐसा फ्री रहता हूँ नदी के पास, तालाब के पास आके बैठ जाता हूँ। और यह पानी जो चल रहा है ये अभी ज़्यादा दिन का पानी नहीं, ये सिर्फ एक महीने तक, अभी क्या अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर के अंदर ये पूरा पानी सूख जाएगा। उसके बाद पूरे 6-7 महीने तक यहाँ इस नदी में पानी नहीं रहेगा, बिल्कुल पूरी नदी सूखी हो जाएगी। अभी चल रहा है पानी क्योंकि अभी बरसात अभी अभी ख़त्म हुई ना, इसलिए ये पानी चल रहा है। तो गाइस मैं अब थोड़ा ऊपर जाता हूँ। तितलियाँ, कितनी सारी तितलियाँ देखो, क्या बना रहा, हलाओ। ये जानवरों के पानी पिलाने के लिए हलाओ बनाया होगा किसान ने। तो गाइस वीडियो बनाने का कोई ऐसा मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा 2-3 दिन होगा वीडियो नहीं बना पाया हूँ, तो छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ। तो दोस्तों अब मेरा घर जाने का टाइम भी हो चुका है, भूख भी लग रही है, तो वीडियो अब चल भी नहीं रहे ब्लॉग, और कौन से कंटेंट डाल सकते हैं अभी बीमारी में, हालत कमज़ोर है अभी, ऐसे कुछ खास दिमाग नहीं लगा सकते हैं और कुछ अच्छा वीडियो नहीं बना सकते हैं, जैसे घूमने का ट्रेवल हुआ या फिर और कुछ गिफ्ट वाले, ऐसे वीडियो अभी नहीं बना सकते क्योंकि अभी घर पे ही है, आराम कर रहे हैं। तो सोचा कि छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, देखेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल आराम ही कर रहे हैं, देखते हैं 2-4 दिन और कुछ अच्छा लगेगा, उसके बाद कुछ अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, दुआ में भी याद कीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, वीडियो का एंड भी यहीं पे कर देता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। बाय।